नमस्कार। आज का जो सबसे बड़ा प्रश्न है ना, जो मुझसे बार बार पूछा जाता है कि क्या आज से तैयारी की जाए तो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार बहुत लोगों से डिस्कस किया और उनको एडवाइस दी कि देखिए, यदि आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, अपनी लाइफ को डेडिकेशन से दे सकते हैं एग्ज़ाम को, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। हार्ड वर्क का मतलब ये है कि यदि आपको यह एग्ज़ाम निकालना है, किसी भी कीमत पे निकालना है, तो आपको जब आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं उसमें जी और जान लगा दें, जितना हो सके अपनी पूरी क्षमता लगा दें। यह मत सोचे कि आपके पास 2 महीने हैं। यदि आप अपनी स्टडी टेबल पे सब कुछ झोंक करके 2 महीने तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। एक बात मैं कहता हूँ कि मन से हारे हारे, मन से जीते जीत। यदि आपने दिल में ठान लिया है कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो भाई साहब आपको कोई भी इस एग्ज़ाम से बाहर नहीं कर सकता। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि जो सक्सेस है ना, वो कभी एक दिन में नहीं आती है, वो धीरे धीरे आती है। वो धीरे धीरे क्या करता है, वो स्टेप लेती है। और यदि आप उस शेड्यूल को, उस डायग्राम को यदि आप समझ गए ना कि सक्सेस आती कैसे है, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। पर बशर्ते ये कि आप दौड़ना ना छोड़ें, हार्डवर्क करना ना छोड़ें, मेहनत करना ना छोड़ें। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि दूसरे लोगों की तैयारी हो गई, इसलिए सब लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम 2 महीने में हो जाए, या फिर जून में हो जाए, या फिर जुलाई में हो जाए, या फिर बहुत लोग कह रहे हैं एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगा। ये सब और सब भ्रम की बातें हैं। जितना आप पढ़ रहे थे उतने ही दूसरे लोग भी पढ़ रहे हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतनी दूसरे लोग भी मेहनत कर रहे हैं, और जितने दिन से आप इस एग्ज़ाम की दे यानी उसको इंतज़ार कर रहे थे, उतने ही लोग भी हैं जो इंतज़ार कर रहे थे। बशर्ते ये है कि आपने उसको सीरियस नहीं लिया और दूसरे लोगों ने इसको सीरियस लिया। पर खैर कोई बात नहीं, वो समय गया वो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी आपके पास समय है। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, तीसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, आपको लगेगा यार मुझसे नहीं हो पाएगा। पर यदि आप लगातार चलते रहेंगे और लगातार आप चढ़ते रहेंगे, तो एक दिन आपके अंदर वो फील आने लगेगा कि यार 2 महीने काफ़ी होते हैं, 2 महीने में कोई भी एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप एग्ज़ाम सेंटर बैठेंगे और जब बाहर निकल के आएंगे तो कहेंगे यस आई कैन डू इट, और मैंने कर दिया। बस ये एक मन में जब वो आ जाता ना विश्वास, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती भाई। बस ये है कि आपको सक्सेस को समझना है। यदि आप उसको समझ गए, यदि आपने हार्डवर्क कर लिया, यदि आपने मेहनत कर ली, तो भाई साहब आप इतिहास रचेंगे, ठीक है ना। जिस चीज़ के लिए आप बैठे हुए ना, जिन स्टार और जिन टोपी, जो टोपी बोलते हैं ना तिरछी टोपी, उसके लिए आप जो बैठे हुए ना, वो ज़्यादा दूर नहीं है, है नहीं। बशर्ते ये है कि आप इनके लिए अपने आप को कितना झोंक सकते हैं, दिन रात कितनी आप मेहनत कर सकते हैं, ये डिपेंड आप पे करेगा, क्योंकि आप ही हैं जो अपना भविष्य लिखेंगे। आप एक बार हारे, 2 बार हारे, 10 बार हारे, 50 बार हारे, 100 बार हारे, मायने नहीं रखता है। क्या आप 101 बार जीत रखने की काबिलियत रखते हैं? क्या आपके पास इतना पेशेंस है कि आप सामने वालों को ये बता पाएं कि नहीं भाई साहब, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। इसलिए अपने दिमाग से सारी बातें निकाल ले दे कि 2 महीने में होगा कि नहीं होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बस अपने दिमाग में एक बात रखें कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मुझसे ना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।